आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेट बैंक के नए एटीएम का पिन किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपने भी नया एटीएम बनवाया है स्टेट बैंक का और आपसे पिन बनाना नहीं आता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में एटीएम मशीन के थ्रू हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एटीएम का पिन किस तरीके से बनाया जाता है। क्या करना है आपको, अपने एटीएम कार्ड को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, इसका जो चिप वाला भाग होता है उसको अंदर की तरफ आपको रखना है और एटीएम मशीन में अपने एटीएम को इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से पकड़ के आपको पूरा कार्ड अंदर तक लगा देना है। जैसे ही आप अपना एटीएम कार्ड मशीन के अंदर लगाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि अपने एटीएम कार्ड को बाहर ना करें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। इसके बाद आपके सामने लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, भाषा चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको भाषा चूज कर लेनी है, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को चूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 10 से 99 तक आपको यहाँ पर दो कोई भी नंबर डालने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगा 88। 88 नंबर डालने के बाद यस पे क्लिक करूंगा। एटीएम पूरा स्क्रीन टच है, आप ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, उसके सामने वाला बटन भी दबा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा पिन जेनरेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन जेनरेशन पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा एटीएम नया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, स्टेट बैंक का आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एक बार चेक कर लेना है, आपने सही से डाला है या नहीं। चेक करने के बाद अगर आपने सही से नंबर डाला है तो प्रेस इफ़ करेक्ट पे आपको क्लिक करना है। प्रेस इफ़ करेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, इसी खाते से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपने सही से मोबाइल नंबर डाल दिया है तो प्रेस इफ़ करेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखा देगा योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ वेट। आपको कुछ सेकंड्स का यहाँ पर वेट करना है। ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्लिप निकल कर आ जाएगी। ये स्लिप आपके जो पिन आपने बनाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है उसके लिए आता है, पिन जनरेशन रिक्वेस्ट टेकन सक्सेसफुली। तो आपकी जो है रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन में से आपको अपना कार्ड निकाल लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, एक मिनट बाद या दो मिनट बाद या फिर कुछ सेकंड के बाद। ओटीपी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये जो वर्ड में लिखा हुआ है 1460, तो वर्ड में लिखा हुआ आपका ओटीपी आएगा। ये 697 ये जो है ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपका कार्ड नंबर है। आपका जो ओटीपी आएगा 1460 इस तरीके से आएगा, इसको एक बार और समझ लो, ये बहुत ही ज़रूरी है। 6967 जो है ये आपका कार्ड का एंडिंग नंबर है और 1460 ये ओटीपी है जो आपको मशीन के अंदर दोबारा से डालना है। इसके बाद आपको अपने एटीएम कार्ड को फिर से मशीन में लगाना है अच्छे तरीके से, चिप वाला भाग अंदर करके अपने एटीएम कार्ड को कुछ इस तरीके से आपको मशीन के अंदर लगा देना है। जैसे ही आप इस तरीके से लगा देंगे फिर से आपके सामने वही इंटरफेस आएगा जो पहले आया था। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कोई भी, आप ऑप्शन को भी दबा सकते हैं, सामने वाला बटन भी दबा सकते हैं। एटीएम कार्ड जो है इंग्लिश वो है, स्क्रीन टच है। उसके बाद आपको यहाँ से 10 से 99 तक कोई भी दो नंबर डाल लेने हैं, जिस तरीके से हमने पहले डाला था 88, फिर से डाल देते हैं 88, कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, प्लीज़ एंटर योर पिन। आपके पास जो मोबाइल नंबर पर वर्ड में लिखा हुआ आया था ओटीपी 1460 कुछ इस तरीके से था, चार नंबर का था, आपको यहाँ पर उसको डाल देना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया था इंग्लिश में। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफ़र। तो आपको यहाँ पर बैंकिंग पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरफ की ओर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पिन चेंज। आपको पिन चेंज पे क्लिक करना है। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी पिन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे। पिन आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे हमेशा। तो यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से चार नंबर का पिन बनाएंगे। एक बार डालने के बाद री एंटर योर पिन, दोबारा से वही डालना है जो अभी डाला है आपने। पिन बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ वेट। कुछ सेकंड का वेट करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, प्लीज़ टेक योर कार्ड। अपने एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर से निकाल लेना है बाहर को। तो दोस्तों इसी तरीके से एटीएम का पिन बनाया जाता है। अब आप इस पिन को यूज़ करके अपना पैसा भी चेक कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।